हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सस्ती दरों पर अच्छा और पौष्टिक खाना देने के मकसद से प्रदेश के चुनिंदा बस अड्डों पर पिछले वर्ष राजीव थाली योजना की शुरुआत की गई थी। सोलन बस अड्डे पर भी यह योजना शुरू की गई, जिसमें बस यात्रियों के अलावा अन्य लोगों को भी 25 रुपए में खाना परोसा जाता है। योजना तो सरकार ने अच्छी चलाई, लेकिन इसमें खामियां बहुत देखने को मिल रही है, जिस कारण ये योजना सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। देखने में आया है कि जगह के अभाव के चलते सोलन बस अड्डे पर खुले में ही कुर्सियां लगाकर खाना परोसा जा रहा है। वाहनों से उड़ने वाली धूल मिट्टी खाने की थालियों में पड़ती है। टेंट का एक पर्दा लगाकर रसोई घर बनाया गया है। खाना पकाने के साथ ही गंदगी भी खाने में जाकर मिलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग सस्ते खाने की बजाय बस अड्डे पर महंगा खाने में ज्यादा खुश हैं। खुले में बैठकर धूल मिट्टी के बीच बीमारियों से तो बचाव अधिक जरूरी है। इस बात पर बोलते हुए राजीव थाली योजना चलाने वाले के बेटे वाशिद ने बताया कि दिन भर में कुल 15 या 16 थालियां ही वह बेच पाते हैं। सस्ती थाली होने के बावजूद काम कम होने की वजह बताते हुए उनके पास रसोई घर के लिए और लोगों के बैठने का उचित स्थान न होना मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आवश्यक स्थान मुहैया करवाया जाएगा। यहाँ पे राजीव थाली योजना जो है, इसमें राजीव थाली योजना में 15-16 थाली लग जाती हैं, और ज़्यादा इसलिए लग पाती क्योंकि यहाँ बसेस वगैरह आगे खड़ी हो जाती, जिस कारण दुकान दिखती नहीं हमारी इतनी, और किचन नहीं है यहाँ पर, जिस कारण मतलब कि लोग खाना नहीं खा पाते खुला खाना, और यहाँ खुले किचन की वजह से खाना खराब भी हो जाता है। इसमें काम करके हमारे पापा और मैं काम करते हैं, इसमें घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता, दुकान का ही बस खर्चा निकल पाता है। अब देखना होगा कि क्या इस योजना को चलाने के लिए सरकार संजीदा होती है या इस योजना को यूं ही बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन।